नमस्ते, आइए बात करते हैं सरल स्वभाव के बारे में। अच्छाई और मन मतलब नई दुनिया बनाना। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वे अच्छे के लिए हो रहा है, मतलब जो आप करेंगे या किसी और करेगा वो भी अच्छे के लिए ही है। अच्छाई बढ़ाना हमारा स्वभाव में लाना है, ये है एक नई दुनिया बनाना। जैसे ये व्यक्ति सोचने लगा तो महात्मा को ढूंढने लगा। वो संत के चरणों पे झुक कर बोला, महाराज मेरी दुष्टता को माफ कीजिएगा, मैंने आपको बहुत परेशान किया फिर भी आपका धीरज नहीं दिखा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। महात्मा ने उसे देख के, संत ने या महात्मा बोल सकते हैं उनको, महात्मा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेफिक्र रहो, चिंता करने के जैसे कोई बात है नहीं, तुमने मुझ पर मेहरबानी की है, आज मुझे 108 बार स्नान करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसकी वजह तुम ही हो, कितना उपकार है तुम्हारा मेरे ऊपर। इसे सुनकर वो व्यक्ति पानी पानी हो गया। देखा, संत ने उसके ऊपर इतना कुछ रहम भी किया, साथ साथ उन्होंने जो भी किया उसको सहन भी किया। इसकी तरफ से उन्होंने हमारे सामने ये सरलता लेके आया। अभी आपको समझ में आया होगा सरलता क्या होता है। सरलता के लिए आपको काली सरलता होने में मतलब नहीं है, आपके उसके साथ साथ सहनशीलता जरूरी है। सरल व्यक्ति का मन साफ होने के कारण उसमें दूसरे दिव्य गुणों की धारणा भी जल्द हो जाती है। सरल व्यक्ति का मन साफ होने के कारण उसमें दूसरे दिव्य गुणों की धारण भी जल्दी ही हो जाती है। जबकि कपटी अथवा चालक व्यक्ति के जीवन में दिव्य गुणों की धारण इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि उसका मन किसी ना किसी में लगा होता है। कभी वो सोचता है भूतकाल में उस मनुष्य ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, अब मेरे साथ अच्छा ही कैसे कर सकता है, अथवा आज तक फलाना मनुष्य ठीक नहीं है, वह भविष्य में भी बदलने वाला दिखाई नहीं देता। परंतु जो सरल चित्त व्यक्ति होता है वह तो अपनी मस्ती में मस्त रहता है और यही सोचता है कि जैसे कोई करेगा वैसे ही पाएगा, वह अपनी सत्यता को किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। इसलिए सच्चे दिल पर साहिब राजी होने की उक्ति के अनुसार उसी ईश्वर से सहायता भी मिलती है। सच्चे दिल पर साहिब राजी, उसके सीधे मन, उसकी सच्चाई तथा मन की सफाई के कारण दूसरे लोगों भी उसे आशीर्वाद देते तथा उससे स्नेह करते हैं। उसके सीधेपन, उसकी सच्चाई तथा मन की सफाई के कारण दूसरे लोग भी उसे आशीर्वाद देते तथा उससे स्नेह करते हैं, अथवा वह अपने आप से भी संतुष्ट और सुखी रहता है। अभी आपको समझ में आया होगा, अभी हमारे सामने जो है सरलता, तो इसे हमारे लाइफ में लेके आने के लिए क्या क्या करना है आप ही सोचिएगा। हाँ जी, आपका बात बराबर है, मैं वही बोलने वाला हूं। अच्छा लगा ना, फिर क्या सोच रहे हैं? लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जरूर अपना दोस्तों को भी बताना। Thank you.